किसान भाई नमस्कार, आप सभी का फिर से मेरे चैनल में एक नए वीडियो के साथ स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए मेरे पास है ये प्लांटिक्स का है NPK 1261, अर्थात इसमें आपका नज़दीक से दिखेगा ये एरिस कंपनी का प्लांटिक्स खाद आता है, जिसमें NPK 1261 मतलब नाइट्रोजन 12% और फॉस्फोरस 61%। आपका DAP में जैसे होता है 18% नाइट्रोजन और 46% फॉस्फोरस, इसमें और ज़्यादा मात्रा में है, इसमें 61% फॉस्फोरस है। लेकिन ये क्या है कि लिक्विड फर्टिलाइजर है जो कि जल में आसानी से घुलनशील हो जाता है, जल में घुलनशील फर्टिलाइजर है, वाटर सोल्यूबल है। और इसको हम ज़्यादातर ड्रिप के द्वारा ही चलाते हैं, जैसे सब्जी लगाते हैं, जैसे मेरे यहाँ खीरा लगा था, खीरा हो गया आपका, करेला हो गया, ठीक, इस तरह का जितने भी फसल है आपका, टमाटर बैंगन, जिस सब में इसको हम चलाते हैं। इसका काम क्या होता है, पौधों का बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है, ब्रांचेस निकलता है, पौधा मजबूत होता है। जैसे हम खीरा लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, लगभग 15 से 20 दिन का अवस्था जब हो जाता है, उस 15 दिन के आसपास हम इसको चलाते हैं। अभी इसका इस्तेमाल हम करेंगे मक्का में। देखिए मक्का हमारा जो फसल है ये सही ढंग से ग्रोथ नहीं कर रहा था, हम ऊपर से इसका फोलियर स्प्रे करेंगे। अब ड्रिप से चलाना और फोलियर स्प्रे करना, इसमें अंतर होता है। देखिए अगर ड्रिप से हम चलाएंगे तो जड़ों से अवशोषण करेगा, थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन अगर हम फोलियर स्प्रे करते हैं तो क्या होता है, पत्तियों की तरह अवशोषण करता है, जल्दी से पौधों के भागों में पहुँचाता है, अपना कार्य करता है। इसको देना कैसे, देखिए हम एक टंकी में 100 ग्राम देंगे। ये देखिए हमारे पास ये 100 ग्राम हम नाप लिए हैं, 100 ग्राम हो गए क्या, तो चालू कैसे होगा यहाँ से, अच्छा रेड वाला 94 ग्राम हुआ है ना, इसको हमको एक टंकी में घोलना है, ठीक, ढक्कन उठाओ, घोलो उसको अच्छे से, घोलो बहुत सिंपल है। देखिए इसको आप इसको घोल लेना, एक टंकी में 20 लीटर का टंकी है, इसमें आप 100 ग्राम इसमें आसानी से घोल लीजिए, मतलब 1 लीटर पानी में 5 ग्राम तक, 5 ग्राम NPK 1261 को घोल सकते हैं। घुल गया, अब इसको स्प्रे करना है, उठाओ चलो, उठा लोगे ना, ये बैटरी ऑपरेटेड स्प्रे पंप है। देखिए इसमें कोई स्प्रे करने की जो पंप लगाने की जरूरत नहीं, अपने आप स्टार्ट होगा। आइए यहीं से दिखाते हैं स्प्रे करते हुए, इसमें इस लाइन में करते हुए जाना, इसमें से जाओ, स्प्रे ऐसे करना है कि पौधा आपका पूरा भीग जाए, ताकि क्या होगा जल्दी से अब्जॉर्ब करे। और ध्यान ये रखिएगा कि आप मतलब उल्टा टाइम में, जैसे शाम के समय लगभग 3 बजे के आप स्प्रे कीजिए, इससे क्या होगा पौधा आपका गर्म रहता है, क्योंकि सूर्य के रोशनी में क्या होता है, इसका इवेपोरेशन होने के कारण पौधे के पत्तियों से पानी का वाष्पीकरण हो जाता है। उस समय अगर आप स्प्रे करते हैं तो पौधा जल्दी से पौधे का पत्ती उसको एब्जॉर्ब करता है अपने अंदर और पौधों के सभी भागों में पहुँचाता है। तो इस प्रकार से आप 1261 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसका रिजल्ट क्या आता है मैं आपको दिखाऊंगा, रिजल्ट 100% आता है, फुल स्प्रे करेंगे तो आपको तत्काल रिजल्ट मिलता है। ये जो जानकारी मैं आपको दिया, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय